A very good morning to you all. Today, we are going to start our lecture for class 5 students. Right? And what is the name of the chapter? The name of the chapter is Who Did It? And this is chapter number 3. Right? Once again, what is the name of the chapter? The name of the chapter is Who Did It? So, basically, students, before moving towards the chapter, let's have a small summary of this chapter. Right? पहले इस चैप्टर पे मूव करने से पहले हम लोग इस चैप्टर का छोटा सा समरी देख लेते हैं और ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है इसका समरी भी बहुत छोटा सा है बस आप लोग ध्यान से सुन लो ठीक है इस स्टोरी में होता क्या है पहले देखो इस चैप्टर का क्या नाम है हु इट किसने किया ठीक है किसने किया मतलब ये, ये नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा मिस्ट्री टाइप का स्टोरी होगा राइट तो स्टूडेंट्स इस स्टोरी में है क्या कि मिस्टर शर्मा रहते हैं ठीक है मिस्टर शर्मा नाम के मतलब मिस्टर मिस्टर शर्मा एंड हिज फैमिली एक कॉलोनी में रहते हैं उनके घर एक दिन चोरी हो जाती है ठीक है तो पुलिस आता है और अपना अपने तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है पूछताछ शुरू करता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते वो पांच आदमी पे ऐसे शक करता है ठीक है और वो तरह तरह का लोग तरह तरह का बात बोलता है कि मतलब हाँ मैं देखा था एक छोटा सा हाइट में रात के अंधेरे में चढ़ रहा था कोई दूसरा पड़ोसी बोलता है कि नहीं मैं देखा था एक बड़ा सा लंबा चौड़ा आदमी था वे तो है मतलब तरह तरह के लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे कि एक आइसक्रीम वाला से भी पूछा जा रहा था कि मतलब तुमने ये चोरी होने से पहले किसी को देखा कि मतलब कोई इनके घर ऐसे चोर जैसा जा रहा है तो वो भी अपने तरफ से जो उन्होंने देखा वो अपना अपना आंसर दिया लास्ट में वो किसी एक मुजरिम तक पहुंच ही जाते हैं ठीक है तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस चैप्टर में यही है ठीक है कि मिस्टर शर्मा के घर में चोरी हो जाती है पुलिस आते हैं सस्पेक्ट्स फाइव सस्पेक्ट्स करते हैं कि कौन उसमें मेन कल्प्रिट है कल्प्रिट मतलब स्टूडेंट्स गुनेगार राइट right? कौन उसमें से मेन कल्प्रिट है उसको फाइंड आउट करने ठीक है सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज

पुलिस द पुलिस सस्पेक्ट फाइव मैन पुलिस के शक की निगरानी में पाँच मैन थे हु इज द रियल कल्प्रिट लेकिन उनमें से रियल कल्प्रिट कौन था यह हमें इस स्टोरी को पढ़ने पे मालूम चलेगा वसंत कॉलोनी वॉज शॉक्ड अ हाउस इन द हैड बिन बर्गल्ड मिस्टर शर्मा एंड हिज फैमिली हैड गॉन टू अटेंड अ वेडिंग वेन दे वैन दे केम बैक अराउंड मिड नाइट हाउस वॉज इन मेस मैनी थिंग्स हैड बिन स्टोलन वसंत कॉलोनी इज द नेम ऑफ द कॉलोनी ठीक है पूरा वसंत कॉलोनी शॉक्ड था ठीक है आश्चर्यचकित था अ हाउस इन द कॉलोनी हैड बिन बर्गल्ड क्योंकि उस वसंत कॉलोनी में एक हाउस जो था वो बर्गल्ड हो गया था मतलब लूटपाट हो गया था उसमें ठीक है रॉब्ड हो गया था रॉबरी रौ, मतलब क्या होता है रॉबरी मतलब चोरी है ना कोई किसी के अगर रॉबरी रौ, कर लिया रॉब्ड हो गया है ना चोरी चोरी चपारी हो गया ऐसा ऐसा हम लोग बोलते हैं है ना तो बसंत कॉलोनी में एक घर जो था वो बर्गल्ड हो गया था मतलब लूटपाट हो गया था उसमें ठीक है मिस्टर शर्मा एंड इस फैमिली हैड गॉन टू अटेंड अ वेडिंग मिस्टर शर्मा और उनके फैमिली एक शादी अटेंड करने गए थे ठीक है वेन दे केम बैक अराउंड मिड नाइट देयर हाउस वॉज इन अ मेस और जब वो आधी रात को लौट लौटते हैं शादी से तो वो क्या देखते हैं कि उनका घाव उनका जो हाउस था वो मेस बन चुका है मतलब क्या मेस मतलब वो खा जहाँ खाना बनता है वो मेस नहीं यहाँ पे इन मेस कहने का मतलब टोटल डिसऑर्डर मतलब सारा बिखरा पड़ा है ठीक है जब वो मिडनाइट में मिस्टर शर्मा एंड इस फैमिली वेडिंग से वेडिंग पार्टी से लौटते हैं तो वो अपने घर को क्या देखते हैं कि उनका घर पूरा बिखरा पड़ा है जिधर 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 जो भी सामान फेंका हुआ है है ना डिसऑर्डर वे में डिसऑर्डर हुआ हुआ है पूरा सारा जो भी चीज़ जगह पे होना चाहिए वो कोई भी चीज़ जगह पे नहीं है ठीक है मेनी थिंग्स हैड बीन है और वो देखते हैं कि बहुत सारी चीजें चोरी कर ली गई है है ना स्टोलन मेनी ऑफ द थिंग्स आर स्टोलन हैड बीन स्टोलन राइट मिस्टर शर्मा कॉल्ड द पुलिस द पुलिस सर्च द होल हाउस फॉर क्लूज दे फाउंड सम फुटप्रिंट्स इन द गार्डन देयर आर अ शू नियर द गार्डन वॉल इट मस्ट हैव कम इट मस्ट हैव कम ऑफ वाइल्ड सम वन वॉज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल इंस्पेक्टर बेला मिंच द पीपल इन द नेबरहुड इफ इफ दे हैड सीन है सस्पिशियस दैट नाइट हाँ तो स्टूडेंट्स जब उनके घर में चोरी हो गया किसके घर में मिस्टर शर्मा के घर में तो मिस्टर शर्मा ने पुलिस बुलाई मिस्टर शर्मा कॉल्ड द पुलिस द पुलिस सर्च द होल हाउस फॉर क्लूज अब पुलिस ने पूरा घर छान दिया क्लूज के लिए है ना कि कुछ तो क्लू मिले ताकि हम लोग चोर को पकड़ सके दे फाउंड सम फुट प्रिंट्स इन द गार्डन और उन्होंने कुछ फुट प्रिंट पैर के निशान पाए कहाँ पे? गार्डन एरिया में देयर वॉज अ शू नियर द गार्डन वॉल और जो गार्डन का वॉल था उसके पास में एक शूज भी मिला उनको इट मस्ट हैव कम ऑफ वाइल सम वन वॉज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल तो वहां पे क्या आ, बोलते हैं इंस्पेक्टर कि ये जरूर कोई इंसान चढ़ रहा होगा जब ये वॉल चढ़ रहा होगा कोई इंसान तो उसका जूता गिर गया होगा इंस्पेक्टर बेला मिंच द पीपल इन द नेबरहुड इफ दे हैड सीन एनीवन सस्पिशियस दैट नाइट बेला मिंच इज द नेम ऑफ द इंस्पेक्टर व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्पेक्टर द नेम ऑफ द इंस्पेक्टर इज बेला मिंच तो उस बेला मिंच ने पूछताछ चालू की आस पड़ोस में है ना इंस्पेक्टर बेला मीन आज द पीपल इन द नेबरहुड इफ दे हैड सीन एनिमल सस्पिशियस दैट नाइट तो वो आस पड़ोस में है ना पूछताछ चालू किया कि क्या मतलब आपने किसी को देखा है रात रात में किसी को ऐसे चोरी कर चोरी करते हुए जाते हुए या आते हुए होता है ना कि अगर कहीं पे चोरी हो गया या फिर कोई चीज़ घट गया तो पुलिस पूछता है ना आसपास से कि मतलब आपने किसी को देखा था क्या ठीक उसी तरह से पुलिस ने अपना पूछताछ चालू कर दिया शुरू कर दिया मिस्टर हुसैन मिस्टर हुसैन द नेक्स्ट स्टोर नेबर सेट आई हर्ड सम नॉइज एट नाइट आई लुकड आउट ऑफ माई विंडो एंड सॉ क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल आई कॉल्ड आउट बट ठीक है मिस्टर जब पूछताछ चालू किया इंस्पेक्टर ने तो उसमें मिस्टर हुसैन ने क्या मिस्टर हुसैन जो नेबर थे उनसे पूछा गया तो मिस्टर हुसैन द नेक्स्ट स्टोर नेबर ठीक है जो ठीक उनके बगल में नेबर थे उनसे पूछा गया तो क्या बोला आई हर्ड सम नॉइज एट नाइट तो उन्होंने बोला कि मैंने रात में कुछ नॉइज कुछ आवाज़ सुनी थी ठीक है आई लुक आउट ऑफ माई विंडो एंड सॉ सम क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल और मैं अपना खिड़की खोला और देखा तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक इंसान एक गार्डन वॉल क्लाइंब कर रहा है मतलब गार्डन वॉल चढ़ रहा है मैंने चिल्लाया भी आई कॉल्ड आउट बट लेकिन डिड यू सी हिम प्रॉपरली वॉट वॉज ही लाइक आस्ट बेला मिंच तो वो जो इंस्पेक्टर थे बेला मिंच वो क्या बोल रहे हैं कि क्या तुमने अच्छे से देखा था कि मतलब वो कैसा दिखता था किस किस मतलब किस तरह का उसका हुआ था वो पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर बेला मिन्च वेल इट वॉज डार्क एंड आई कूडंट सी वेरी वेल बट आई एम श्योर इट वॉज अ मैन बोला कि हालांकि तो बहुत रात हो चुकी थी मैंने क्लियरली नहीं देखा लेकिन हां मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो एक इंसान था मतलब वो एक आदमी था औरत भी तो हो सकती है ना भाई कि जो चोरी किया है जरूरी थोड़ी कि इंसान ही हो लेकिन उसने क्या बोला कि मैं मुझे जहां तक लगता है वो एक आदमी था ही वॉज टॉल एंड थिन मिस्टर हुसैन वो लंबा और पतला था मिस्टर हुसैन ने बताया देन द पुलिस क्वेश्चन मिस्टर जगन हुट द कॉर्नर ऑफ द रोड ठीक फिर उसके बाद पुलिस ने मिस्टर जगन से पूछताछ की जिन मिस्टर जगन कौन जिनका शॉप उस रोड के कॉर्नर में था जिस रोड में मिस्टर शर्मा का घर था उस रोड के कॉर्नर में उनका शॉप था तो वो मिस्टर uh, जगन से पूछताछ पुलिस शुरू की ही गुड सी द शर्माज हाउस फ्राम हिज शॉप मतलब वो अपने शॉप से मिस्टर शर्मा का घर आराम से देख सकते थे इसलिए उनसे भी पूछताछ की जा रही थी मिस्टर जगन सेठ आई सॉ मैन वॉकिंग वेरी फास्ट ही केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हाउस ही वॉज होल्डिंग अ बैग क्लोज टू हिज चेस्ट आई फेल्ट सस्पिशियस आई शाउटेड एट हिम टू स्टॉप बट ही रैन अवे तो मिस्टर जगन ने क्या बोला पूछताछ में कि मैंने एक इंसान को बहुत ही फास्ट वॉक करते हुए देखा ही केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हाउस और वो घर के तरफ से ही आ रहा था मतलब मिस्टर शर्मा का जो घर था जिस घर में चोरी हुई थी वो बन, वो आदमी वो इंसान उस घर के तरफ से ही आ रहा था ही वॉज़ होल्डिंग अ बैग क्लोज टू हिस्सेस्ट और वो एक बैग अपने सीने से एकदम लगा के रखा हुआ था आई फील्ट सस्पिशियस मुझे शक हुआ उस पर आई फेल्ट सस्पिशियस आई शाउटेड एट हिम मैंने उस पर चिल्लाया भी और उसे रुकने को कहा बट वो वहां से भाग निकला वॉट डिड ही लुक लाइक तो इंस्पेक्टर पूछते हैं कि वो किस वो कैसा दिखता था ही वॉज शॉर्ट एंड थिन ही लुक क्वाइट स्केयर्ड ही वो ब्लैक ट्राउजर एंड अ ब्लू शर्ट ही हैड कर्ली हेयर तो अब ये फिगर बता रहा है कौन मिस्टर जगन जो है वो उस मतलब उसने जो जिसको देखा था उसका वो पूरा फिगर आउट बता रहा है इंस्पेक्टर को कि वो छोटा था पतला था और वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था ही लुक क्वाइट स्केयर्ड ही वो ब्लैक ट्राउजर्स एंड ब्लू शर्ट वो ये भी बता रहा है कि वो ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था और ब्लू शर्ट पहना था और ही हैड कर्ली हेयर और उसके जो बाल थे वो घूंघरेले थे घुंघरेले बाल का इंसान था द the शर्माज टोल्ड द पुलिस दैट मिस्टर Samir Kumar, the कुमार cream vendor at the end of the road, might know something. He sold ice cream till late at night. तो मिस्टर शर्मा ने क्या बोला कि आइसक्रीम वाला भी कुछ जानता होगा ठीक है द शर्मा देन टोल्ड द पुलिस दैट मिस्टर शामिर कुमार मिस्टर समीर कुमार इज द नेम ऑफ द आइसक्रीम वाला राइट जो आइसक्रीम बेचता था उसका नाम शामिर कुमार था द आइसक्रीम वेंडर एट द एंड ऑफ द रोड मिस्टर शर्मा ने बोला पुलिस को कि आ, कि शामिर कुमार है जो कि एक आइसक्रीम वेंडर है एट द एंड ऑफ द रोड माइट नो समथिंग। वो जरूर कुछ जानता होगा क्योंकि उस वो आइसक्रीम लेट मतलब लेट रात तक बेचता था द आइसक्रीम वेंडर सेट यस आई सॉ समस्पिशियस इट वॉज इलेवन पी आइसक्रीम वाले से जब पूछताछ चालू हुई तो आइसक्रीम वाला बोला कि हाँ मैं uh, हाँ मैंने एक uh, इंसान को देखा था सस्पिशियस जो मुझे जिस पे शक हुआ था इट वॉज इलेवन पी एम और उस वक्त ठीक ग्यारह बज रहे थे ही वॉज अ बाल्ड मैन विथ अ माउथस टैच ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट ही केप्ट लुकिंग बैक आई एम श्योर ही वॉज द वन हु ब्रोक इन टू द हाउस वो उसका फिगर बताया कि वॉज अ बैड मैन विद अ माउस्टैच मतलब लंबा चौड़ा आदमी के के साथ के साथ मतलब he was walking very fast. वो बहुत तेजी से वॉक कर रहा था he kept looking back और वो हमेशा चलते चलते पीछे भी देख रहा था तेजी से चल रहा था और पीछे भी के ऐसे देख रहा था ठीक है आई एम श्योर ही वॉज द वन हु ब्रोक इन टू द हाउस और उसे और वो बोला कि मुझे यकीन है कि जरूर वही उसी ने घर तोड़ के चोरी की होगी मिस्टर मनी एंड फैमिली लिव टू हाउसेस अवे फ्रॉम अ मूवी एज दे रीच्ड दियर हाउस दे सॉ टू यंग मैन ऑन अ मोटरसाइकिल ड्राइविंग पास ट्रेकलेसली राइट अब देखिए अब मिस्टर मनी एंड हिज फैमिली जो कि मिस्टर शर्मा के घर से दो घर के रहते थे उन्होंने कहा कि वो उस रात लेट से आए थे मूवी देख के नाइट का शो होगा मूवी देख के आ रहे होंगे और उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने भी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया मतलब उन्होंने देखा क्या देखा दे सॉ टू यंग मैन ऑन अ मोटरसाइकिल ड्राइविंग पास रेकलेसली उन्होंने देखा कि दो नौजवान इंसान एक मोटरसाइकिल पे बहुत ही तेजी से और बहुत ही डेंजरसली बाइक लेके गया मतलब कैसे होता है मतलब होता है ना स्नैक राइड ऐसे ऐसे जूम जूम मतलब खतरनाक तरीके से कि मतलब गिर भी सकते हैं है ना और बहुत ही स्पीडली कहने का मतलब बहुत ही स्पीडली बाइक लेके भागा वहाँ से दे वर इन अ हरी टू गेट अवे सेट मिसेज मनी मिसज मनी ने क्या बोला कि वो लोग बहुत ही जल्दबाजी में दिख रहे थे और वो लोग बहुत जल्दी भागने के चक्कर में थे दे वर इन हरी टू गेट अवे वो लोग बहुत जल्दबाजी थी उन लोगों के जल्दी से भागने का कि आपको ऐसा क्यों लगता है uneasy, so, उन्होंने कहा कि वो अनइजी वो अनिजी से दिख रहे थे ठीक है मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसा नहीं दिख रहे थे मतलब वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थे और वो थोड़ा अनिजी से थे कुड यू सी दियर फेसेस आस्क इंस्पेक्टर बेला मिंच तो इंस्पेक्टर बेला मेज़ ने उनसे क्या पूछा क्या आपने उसका फेस देखा था आई जस्ट गॉट अ ग्लिम्प्स बोथ ऑफ देम हैड लॉन्ग हेयर बट वन हैड बियर्ड मैंने एक झलक ही देखा था आई जस्ट गॉट अ ग्लिम्प्स मैं मतलब उतने अच्छे से तो उसका चेहरा नहीं देखे थे लेकिन मैं उसका हुलिया ऐसे मतलब बता सकती हूँ कि बोथ ऑफ देम हैड लॉन्ग हेयर कि दोनों का लंबा लंबा हेयर था बट वन हैड अ बियर्ड लेकिन उनमें से एक का दाढ़ी था आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस राउंडेड अप फाइव who हु the द डिस्क्रिप्शन by all ऑल दिटनेस और ये सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन मतलब स्टूडेंट्स पूछताछ इन सारे पूछताछ के बाद पुलिस के पुलिस के घेरे में शक के घेरे में पांच इंसान आए जैसे जैसे जो जो लोग बताए जिस जिस तरह से हुलिया बताया उस उस तरह से पांच लोग को अपने शक की नज़र में रख लिया पुलिस ने ठीक है इंस्पेक्टर बेला मिंस कॉल द फाइव सस्पेक्ट्स टू हर रूम एंड क्वेश्चन देम इन डिटेल इंस्पेक्टर बेला मिंस ने उन पांचों सस्पेक्ट्स को अपने घर बुलाया मतलब अपने रूम में बुलाया और उनसे पूरे डिटेल में क्वेश्चन पूछने लगे एट द एंड ऑफ द डे द पुलिस अरेस्टेड वन ऑफ द मैन हुज नेम वॉज गट्टू और आखिरी दिन क्या हुआ पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जिसका नाम गट्टू था एट द एंड ऑफ द डे द पुलिस अरेस्टेड वन ऑफ द मैन उन पाँचों पांचों आदमी में से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम गट्टू था कैन यू गैस वाई क्या आप गेस कर सकते हो क्यों गट्टू को ही क्यों इंस्पेक्टर बेला मिंज आस्ट इट्स टू तो ट्राई ऑन द शू फाउंड इन द गार्डन इंस्पेक्टर बेला मिंज जो था आ, इंस्पेक्टर बेला मिंज जो थे वो जो गार्डन में एक शू मिला था ना वो सबको ट्राई करने के लिए बोल रहे थे कि सब लोग एक एक बार पहन के दिखाओ दिखाओ मुझे इंस्पेक्टर बेला आस्क्ड ईच सस्पेक्ट टू तो ट्राई ऑन द शू फाउंड इन द गार्डन जो शू गार्डन में मिला था वो सब सब जितने भी वो सस्पेक्ट थे पांचों को बोले थे कि पहन के दिखाओ इट फिटेड गट्टू और गट्टू नाम का जो इंसान था उसमें वो शूज़ फिट हो गया द शॉर्ट थिन मैन विद अ करली हेयर परफेक्टली छोटे कद का इंसान छोटा पतला इंसान और उसका जो हेयर था वो कर्ली था परफेक्टली सो शी न्यू दैट ही वॉज द वन तो उन इंस्पेक्टर मैम को पता चल गया कि यही वो कल्प्रेट है यही वो आ, चोर है जो कि मिस्टर शर्मा का घर चो, से चोरी करके ले गया था सो दैट्स इट स्टूडेंट्स दिस इज द होल स्टोरी दिस इज द होल स्टोरी ऑफ इट सी व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर इज हु डिड इट किसने किया समझ आया तो इस स्टोरी से आपको इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का चैप्टर है राइट सो थैंक यू स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा होगा और बहुत ही मजा आया होगा एंड इन माय अपकमिंग वीडियोस आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मोर और लेस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर राइट सो थैंक यू एंड हैव फन